मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किलें। नर्मदा नदी के पास घाटों पर ना जाने की अपील। घाट पर बने मंदिर भी पानी में डूबे। 12 पुलों के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां। बरगी बांध के 13 गेट से छोड़ा गया पानी। नदी किनारे बने घाट पानी में डूबे। घाट किनारे इलाके को खाली कराए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही है नदी। सड़क पर पानी बहने से कई गांवों के जनसंपर्क टूट गए। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर। एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा है पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत। कावला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एकता नगर सेना के 105 जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद पावना नदी उफान पर। बांध से 7000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर में फिर से घुसा पानी। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। हालात का जायजा लिया। यूपी के ललितपुर में लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। राजघाट डैम के 16 गेट खोले जाने से बाढ़ जैसे हालात। ललितपुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले मार्ग के ऊपर से बह रहा है पानी। आवागमन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में फटा बादल। शेरवान कंगन इलाके में भारी तबाही। कई घर और गाड़ियां दबी। श्रीनगर एनएच पर आवाजाही हुई। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। भागीरथ शिला तक पहुंचा पानी। जलस्तर बढ़ने से घाटों को खाली कराया गया। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने संभाला मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉशआउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अब भी लापता। मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की जा चुकी है जान। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मची तबाही। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड टीम की ली जा रही है मदद। 31 जुलाई को तिरंग में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से बहा कोफ्ता ब्रिज। बादल फटने से आई भीषण तबाही। जगह जगह मलबे की तस्वीर आई सामने। केदार घाटी में सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाके में स्निपर डॉग के साथ सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा के बाद लापता लोगों की हो रही है तलाश। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चीड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। मलबा हटाकर चीड़वासा हेलीपैड को सुचारू रूप से चलाया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी। रेस्क्यू टीम ने अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू कर बचाया। अभी भी 1000 के करीब यात्री फंसे। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। बिहार के नालंदा में लोकायन नदी में अचानक से बढ़ा पानी। तटबंध टूटने से दर्जनों गांव में घुसा पानी। राहत और बचाव के कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मेडिकल टीम भी मौजूद है। झारखंड के रांची में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। गलियों में भरा पानी। भारी बारिश से झरने और बांध ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश के लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदी। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में कटान हुआ तेज। निकासी न होने की वजह से रिहायशी इलाकों में घरों में भी अब पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न। सहायक नदियों में भी उफान। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद बाबूराम निषाद ने कहा पूरे मामले की जानकारी आलाकमान को दी जाएगी। बेनकाब होंगे दुर्दांत अपराधी।
इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी दी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नदवी। कहा, मुद्दा फटकाने के लिए आ सकता है बिल। सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा हश्र होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संभावित संशोधित बिल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए पहले किए गए थे संशोधन, मौजूदा सरकार संशोधन ला रही है, इसके लिए धन्यवाद। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, विपक्षी दल और वक्फ से जुड़े हुए लोगों से मशवरे के बाद ही बदलाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चंडीगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, 2029 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विरोधी दल विपक्ष में बैठने की आदत डाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह की किसानों को सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ किया। बोले, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा।